हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फोनिक। दोस्तों, आज का टॉपिक आज जो पढ़ेंगे वो सेरिब्रम और सेरिबेलम के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपको बस मात्र दो मिनट में याद हो जाएगा कि क्या क्या फंक्शन है सेरिब्रम का और सेरिबेलम का। और कई बार नीट में तो अक्सर क्वेश्चन आते हैं फंक्शन पे ही, सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, और हम याद करते हैं भूल जाते हैं बार बार। तो हम आपको केवल मात्र दो मिनट या तीन मिनट में सेरिबेलम और सेरिब्रम के जो फंक्शन है मेमोराइज कराएंगे। सेरिब्रम होता क्या है, हम जानते हैं हमारे ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। एक फोर ब्रेन होता है, दूसरा मिड ब्रेन होता है, और तीसरा जो होता है हाइंड ब्रेन होता है। तो सेरिब्रम जो होता है ये फोर ब्रेन का हिस्सा है। सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। सेरिब्रम फोर ब्रेन का हिस्सा है। सेरिब्रम का जो मेन फंक्शन है उसको भी तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं, वीरु आई एम वाइल्ड। वीरु मतलब वॉलंटरी एक्टिविटी, जितने भी वॉलंटरी एक्टिविटी होती है उसको सेरिब्रम रेगुलेट करता है। आई मतलब इंटेलिजेंस कॉन्सेंट, आई क्यू को भी रेगुलेट करता है सेरिब्रम। मैच्योरेशन को भी रेगुलेट करता है सेरिब्रम। सेरिब्रम मैच्योरेशन का मतलब होता है अर्ग फॉर यूरिनेशन। मैच्योरेशन मीन्स क्या होता है, अर्ग फॉर यूरिनेशन। मैच्योरेशन को बोलते हैं अर्ग फॉर यूरिनेशन, इसको भी रेगुलेट करता है सेरिब्रम। सेरिब्रम भी मैच्योरेशन को भी रेगुलेट करता है। और साथ ही साथ वीपिंग, रोना या हंसना, ये सब जो फंक्शंस हैं ये भी सेरिब्रम ही रेगुलेट करता है। एंड लास्ट वाज डेफिकेशन, डेफिकेशन को भी सेरिब्रम रेगुलेट करता है। तो दीज आर द मेन फंक्शंस व्हिच इज रेगुलेटेड बाय सेरिब्रम। दोस्तों, सेरिब्रम जो होता है ये पार्ट है आपका फोर ब्रेन का। एक लॉन्गिट्यूडनल डीप क्लेफ्ट इस सेरिब्रम को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। मतलब थोड़ा सा इसको जान जाए, एक लॉन्गिट्यूडनल डीप क्लेफ्ट, लॉन्गिट्यूडिनल डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स सेरिब्रम इंटू लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक लॉन्गिट्यूडिनल डीप क्लेफ्ट सेरिब्रम को सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। राइट पार्ट को कहेंगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट पार्ट को कहेंगे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर। मतलब राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एज वेल एज एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर से जुड़े होते हैं और उस नर्व फाइबर को हम बोलते हैं नोन एज कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को किससे जोड़ा जाता है। तो पहली बात तो याद रखना कि वो नर्व फाइबर होता है और उस नर्व फाइबर का नाम क्या है, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर दैट कनेक्ट्स राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और हमने फंक्शन बता दिया आपको सेरिब्रम का क्या था, वीरु। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम जो था वीरु आई एम वाइल्ड। सेरिब्रम का फंक्शन क्या था, वीरु आई एम वाइल्ड। अब अगला हम पढ़ेंगे सेरिबेलम। अब अगला जो टॉपिक हमारा है वो देखेंगे हम सेरिबेलम के बारे में स्टडी करेंगे। सेरिबेलम हम आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन।
हाई डिफरेंट ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है पॉन्स, दूसरा होता है सेरिबेलम और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा तो जो फंक्शन है सेरिबेलम का, इसको हम इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं, सेरिबेलम का जो फंक्शन है उसको हम इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं, जैसे मोटे मैन कम, यम स्टैंड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ पॉस्चर। सेरिबेलम ही पॉस्चर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओ स्टैंड्स फॉर ओरिएंटेशन एंड टी स्टैंड्स फॉर टोन। टोन मतलब होता है पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ मसल। टोन मीन्स व्हाट? पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ मसल, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ मसल, इसको कहेंगे टोन। एंड सेरिबेलम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। बॉडी की बैलेंसिंग के लिए सेरिबेलम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड इट्स मेन फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन। मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज कोऑर्डिनेशन। सेरिबेलम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन। मतलब कि किसी भी वर्क को करने के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, कोऑर्डिनेशन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो जो सेरिबेलम का मेन फंक्शन है वो है कोऑर्डिनेशन। यही रीजन होता है जब कोई ड्रिंक कर लेता है तो लड़खड़ा के चलता है, क्योंकि उसका सेरिबेलम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अफेक्टेड हो जाता है, जिससे कि इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाता है, पॉस्चर भी डिस्टर्ब हो जाता है और कोऑर्डिनेटेड मैनर में चल नहीं पाता है। तो कह सकते हैं फंक्शन जो सेरिबेलम का है, मेंटेनेंस ऑफ पॉस्चर, ओरिएंटेशन, टोन, टोन मीन्स पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेशन ऑफ मसल, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिबेलम, एंड इट्स मेन फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन। मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज कोऑर्डिनेशन। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप लोग आंसर लगाएंगे तो कई बार पूछा गया है AIPMT में, नीट में, या जो पहले एग्जाम होते थे स्टेट के, स्टेट PMTs में कई बार पूछा गया व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। तो याद रखना मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज कोऑर्डिनेशन। दोस्तों हमने बहुत ही कम समय में मेमोराइज कर लिया फंक्शन ऑफ सेरिबेलम एंड सेरिबेलम। अब अगला टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ मिलेगा अगले लेक्चर में। धन्यवाद।